अभी हम बैल पड़ाव नाम की जगह पर रुके हैं और मैं 5 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं भी कोई बैल नजर नहीं आया अभी तक। और ये दोस्तों आ गई है कुल्लड़ चाय। कुल्लड़ चाय, पहाड़ी कुल्लड़ चाय। ऐसे विजुअल्स आएंगे जो आज तक कभी किसी ने देखे नहीं होंगे। दोस्तों अभी हम रामनगर पहुंचने वाले हैं, आधे पौने घंटे का रास्ता है। अभी हम बैल पड़ाव नाम की जगह पर रुके हैं और मैं 5 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं भी कोई बैल नज़र नहीं आया अभी तक। पर इस जगह का नाम है बैल पड़ाव और यहाँ पर ये पहाड़ी कुल्हड़ चाय है जो कि काफ़ी मशहूर है। और यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं है अभी जो कुल्हड़ चाय पीने आया हो, पर मशहूर बहुत है बैल पड़ाव में। तो अभी ये कुल्हड़ वाली चाय मैं पीऊँगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे रामनगर की तरफ। देखते हैं कुल्हड़ वाली चाय कैसी है। कुल्हड़ वाली चाय ला रहा है, अभी ला रहा है। ये चाय बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं भाई? स्प्रिंग रोल सर। हाँ, स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल भी बना रहे हैं। ये देखिए, इसको स्प्रिंग करके आप रोल करके खा सकते हैं। तो बैल पड़ाव में अभी इतना ही और अभी आने दीजिए कुल्हड़ वाली चाय, उसके बाद उसको पी के बताऊंगा कैसी लगी, ठीक है। और ये दोस्तों आ गई है कुल्हड़ चाय। थैंक यू भाई, स्पेशल कुल्हड़ चाय आई है। हैं, चलिए इसको पी के देखते हैं। कुल्हड़ चाय, पहाड़ी कुल्हड़ चाय। अरे लो यार, ये बासी भी ले रहे हो और मना ही। आहा, कुल्हड़ ऊपर से बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल चुका है, लेकिन फिर भी मैं पी रहा हूँ, इतनी अच्छी चाय है। दोस्तों अभी मैं बैल पड़ाव में कुल्हड़ चाय पी के निकला हूँ और रास्ते में जिम कॉर्बेट पार्क पड़ा, जो कि बहुत मशहूर पार्क है जहाँ की जंगल सफारी बहुत मशहूर है। तो अभी उसी दिशा से हम निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि रामनगर पहुँच के, रामनगर से कुछ 15 किलोमीटर और आगे हमारा लोकेशन है। क्या नाम बताया आपने उसका? भालो। भालो, भालो में हमारा शूट है जो कि रामनगर से 15 किलोमीटर और आगे है। तो अभी ये पूरा जंगल इलाका है, पहाड़ है, जो कि पहाड़ी इलाका है और ऊंचाई पे हम जा रहे हैं। ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, पर मुझे ये बताया गया है कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, 10 डिग्रीज पर अभी है इस वक्त। तो देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ का नज़ारा भी दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग भाई, मैं तो रात में सो ही नहीं पाया। ऐसा लोकेशन है ना ये दोस्तों, इस जगह का नाम है भलौन। आइए आप ये देखिए, ऐसे नीचे से शुरुआत होती है और ऊपर पहाड़ है सीधा। मैंने कभी भी आज तक इंडिया में ऐसा लोकेशन नहीं देखा था। माइंड ब्लोइंग लोकेशन है। यहाँ पे मोर आके नाचते हैं। ये जो पूरा है आप देख सकते हैं, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ पे जो भी हमने शूटिंग की है वो ऐसे विजुअल्स आएंगे जो आज तक कभी किसी ने देखे नहीं होंगे। नॉर्मली लोग नैनीताल वगैरह जाते हैं शूटिंग करने के लिए या टूरिस्ट वगैरह, पर यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट भी आते हैं क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, सिर्फ जंगल है, प्योर जंगल है, घना जंगल है, बहुत लंबा और एक कमाल की लोकेशन है। तो चक्कर घिनने की जो ये शूटिंग हो रही है इस फिल्म में, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कमाल का लोकेशन है। बस आई लाइक इट। दोस्तों चक्कर घिनने का एक सीन करके आ गया मैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो लोकेशन है ये तो माइंड ब्लोइंग है। आप देख सकते हैं इस समय कोहरा, बादल जो है वो घिरे हुए हैं, बारिश हो रही है और जो पहाड़ हैं उसके ऊपर आप बादल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मोर भी, अभी मैंने मोर भी नाचता हुआ देखा था, मोर भी यहाँ पे आके नाचते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह है ना कि यहाँ पे आके अगर आप 2-4 महीने रह लिए, अच्छे से योगा वगैरह कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, 2-4 महीने यहीं रह गए तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी क्योंकि पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन है ही नहीं यहाँ पे।
तो कमाल की जगह है। और जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से इस पूरे एरिया को जाना जाता है। इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक बाघिन थी आज़ादी के पहले, 1947 के पहले इस एरिया में एक बाघिन थी जिसने के 1100-1200 लोगों को मार दिया था और बहुत ही ख़तरनाक हो गई थी वो। तो उसके ऊपर इनाम रखा गया और इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने उस बाघिन को पकड़ने की या मारने की कोशिश की, पर जो लोग भी उसको मारने जाते थे वो खुद ही मर जाते थे, इतनी ख़तरनाक थी। खैर फाइनली ये हुआ कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस हंटर थे मिस्टर जिम कॉर्बेट, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने सबसे पहले इनाम हटवाया उस बाघिन के ऊपर से, क्योंकि बाघिन के ऊपर जो इनाम रखा गया था उस इनाम के चक्कर में और भी लोग मर रहे थे, तो इनाम हटवाया। उसके बाद फाइनली जिम कॉर्बेट, जो कि बहुत ही महान शिकारी हुआ करते थे, उन्होंने उस बाघिन को मार दिया। और उसके बाद मारने के बाद जब उन्होंने देखा तो उस बाघिन का एक जबड़ा जो है वो टूटा हुआ था, तो वो बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि उसका जबड़ा टूटा हुआ था। वो बेचारी आम जो नॉर्मली बाघ जो टाइगर्स करते हैं, लॉयंस करते हैं हिरन को, या इन लोगों का शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, वो नहीं कर पा रही थी। और इंसानों का शिकार करना उस बाघिन के लिए बहुत आसान था, क्योंकि उसका जबड़ा टूटा हुआ था तो वो इंसानों का ही शिकार कर सकती थी। तो जिम कॉर्बेट साहब बहुत इमोशनल हो गए और वो उनका लास्ट शिकार थी वो बाघिन। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने शिकार बंद कर दिया और एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने लगे। और उसके बाद से इस पूरे इलाके को जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही वर्ल्ड फेमस इलाका है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि चक्कर घिरनी की शूटिंग में मैं इस इलाके में पहुँच गया हूँ। दोस्तों भलौन में, जो कि जिम कॉर्बेट में है, एक छोटा सा कस्बा, और यहाँ पर जो व्यू है वो देख के मैं पागल हो रहा हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा व्यू देखने को मिलेगा मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये देखिए, ये जो यहाँ से ये हिल आ रही है, एकदम पूरा एक अलग ही एंगल पे हिल है। और उसके बाद ये ऐसे हम जूम करते हैं और दिखाते हैं आपको ये कितना बढ़िया फॉरेस्ट है। और यहाँ पे मोर नाचते हैं, रोड पे बाघ भी दिख जाते हैं कभी कभी, और हाथी दौड़ते रहते हैं। ये देखिए, इस होटल में भी दिखाया हुआ है, पूरा हाथियों का, हाथी का फोटो है। हिरन बहुत दिखते हैं यहाँ अंदर भी, इधर भी हिरन हैं। ये देखिए यहाँ पूरा एकदम जंगल ही जंगल है सिर्फ, और एक आवाज़ नहीं आती है, कोई नहीं रहता है, सिर्फ हमारा फिल्म क्रू यहाँ आया हुआ है। यहाँ पे देखिए हिरन है, ये देखिए तेंदुआ है, लेपर्ड है, ये लेपर्ड का है फोटो। और यहाँ पे ऊपर अगर हम आएंगे तो ऊपर से जो व्यू है वो अनबिलीवेबल व्यू है। मैं आपको ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ। ये ऐसे हम जाते हैं और आपको ऊपर का भी दिखाता हूँ। इतने ऊपर एक छोटा सा टेरिस है, यहाँ देखिए ये जो व्यू है यहाँ से, अनबिलीवेबल व्यू है। ये देखिए पूरा, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मोर को नाचते हुए देखा था मैंने कल।